आइए दोस्तों, देखिए थाना लगा हुआ है और सभी सिपाही बैठे हुए हैं और आपस में क्या बातचीत करते हैं पर्दे पे देखिएगा। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। तो तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के चौकीदार हैं। हमारा नाम हरकू पासी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। साले फांसी की बात करते हो जी, तुम यहाँ के चौकीदार हो जी, तुम्हारी लाठी वाटी कहाँ है? लाठी झगड़ा हो गया है, सब लौंडे छोड़ लेंगे। एक चौकीदार होता तुम्हारी लाठी को गई जी, और साफा क्या हुआ? साफा गंदा हो गया है, धोबी किया धोवावक दे दे। गंदा हो गया था धुलने के लिए जी। ठीक है ठीक है, इस थाने का हवलदार कौन है सर? इस थाने के हवलदार जो वो कभी समय से ड्यूटी नहीं आता है। यानी कभी समय से ड्यूटी आता ही नहीं है जी? नहीं सर, वो साला दिन ब दिन अपनी मनमानी करता है जी। हाँ सर। ठीक है चौकीदार, तुम चिंता मत करो, उसे आने दो, आज उसे डायरेक्ट में खुद बात करता हूँ। ठीक है सर। थना थन की बोलिया हमसे न बोलो, थना थन की देख नीचे तेरे दोनों पैर एक में हो गए, वो उधर की साइड वो खाली हो गई। इस तरीके से कोई नेकर पहनता है? इसे उतार कर ठीक तो पहनो कि तेज उठा पटक दे गीमा के हुक टूट गया। हुक टूट गया जी। तुम्हें अगले महीने में नई नई कर दी गई थी जी, वो तुमने क्या किया है? ओका धनन साहब भाई भाई नातेदारी जे रिश्तेदारी जे थे। क्यों? गीमा हुआ आदर सम्मान हुआ स्वागत हुआ कि नई नई कर पहन गए हैं। ओ मेहमानी में जाते हो तो नए नए कर पहन कर जाते हो जी, ताकि वहाँ आदर सम्मान हो जी, स्वागत हो जी, और थाने में आते तो फटी पुरानी पहन कर आते हो। हाँ तो यहाँ रोजे चल जाते। ड्यूटी ड्यूटी होती है जी, पर ये बात तुम्हारे भेजे में कभी आएगी नहीं, साला बेवकूफ कहीं का। ये तुमने किस तरीके से नेकर पहनी है? तुम्हारे नेकर में ना ही चैन है, ना ही हुक, ना ही बटन वगैरह है, और सामने साले सब खुला खुला दिखाई दिया करता है, साला बेवकूफ कहीं का। तुम्हारे नेत खुदे नहीं दुरुस्त है, क्यों वे 24 घंटा तुम्हारी निगाह यही के ऊपर रहा है साले। सिगरेट पी के फाइन दिया यही के ऊपर।
थाने में आने के लिए समय क्या होता है? सुबह के एक बजे। सुबह के एक बजे जी, लेकिन दोपहर में एक बजते हुए? हाँ जहाँ जय नाग पकड़ो जय नकुना बात एक दिन भरे में एक दिन एक बजे थे, और फिर जौन काम हुआ तो एक बजे के बाद हुआ थे। कौन सा काम? अब भाई कौन डकैती पर जाए एक बजे के बाद, भैंसी खोल जाए एक बजे के बाद, सेंध कट जाए एक बजे के बाद, रिपोर्ट लिखावे जाओ एक बजे के बाद, मेहरुआ भाग जाए एक बजे के बाद। अरे रे, औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या? और का घड़ी पानी में तो लोटिया में पानी लेके बगिया बगिया भाग रखे हैं। ओ, औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें? जानकारी का त्यारा हम खुद भगा। ये बात कभी तुम्हारे हमारे सामने नहीं कहना जी, मैं तो साले उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करे तो निकाले, कोशिश कह रहे हो अंदर सड़ जाए क्या बे? हम साहेब हम तो साला अपनी बात कर रहा है जी। क्या बात है, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, बात करने का तौर तरीका भी थोड़ा हट के है, क्या हुआ? भवा का तनख्वाह नहीं जवा पाया। और का भवा? तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? और का? कितने महीने की? 6 महीना हो गई, एक रुपया नहीं मिला। ओ माय गॉड, माय गॉड का तुम सब जने अपन अपन खर्चा चला रहे हो, कब इनके बारे में सोचे हो? ठीक है चिंता मत कर, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। यह 30 तारीख तो हम 6 महीना ले दौरी, देखो तारीख तुम्हारे कब पूर हुए तो तुम कब हमका दियो। क्या बे? तनख्वाह हमारा, तनख्वाह हमका दियो। हमारे घर में लंबा परिवार लंबा खर्चा है, हमारे घर से रोज फोन के ऊपर फोन आवर, रोज हमका जवाब दिए परत है। वही परसों हमारे मेहरुआ फोन की के मेरे प्राण पतदेव स्वामी जी, आप 5 साल हो गए मेरा गौने लेकर आए हो, आप उसी दिन से ड्यूटी पर चले गए, लौट के घर का नहीं आए हो। मैं यहाँ पर 5 बच्चों की माँ बन चुकी, 6ठा बच्चा होने वाला, कृपया करके कुछ पैसा वगैरह भिजवाने का कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? 5 साल पहले तुम अपनी बीबी गौना लेकर के आया था जी, उसी दिन ड्यूटी पर चला आया है जी, वापस घर तो गया नहीं? अब ही कहाँ गए? तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीबी से हुई नहीं होगी। तुमका मुलाकात करिए भाई, हम शकल नहीं देखा, गौनी दिर गए। ओ माय गॉड, यानी कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। ये बताओ, जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीबी से कभी हुई नहीं? हाँ नहीं हुई। यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई? वो तो हम नहीं जाए तो बाब, हमारी चिट्ठी पत्री तो जात है। ओ, चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं? मान लिया चिट्ठी पत्र नहीं हुआ तो कुछ गांव राम मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले मेहरबानी, अभी मैं भर के कौन? हम तो सोचे हाथी घूमे गांव जाऊं, दी गए हाथी उनके नाम। तो पहले नाम के लिए मरते हो? नाम है की दैया मौत रखा है घूमी थे। अच्छा, और का वहाँ सोची रहा जाए तनखेवा जमा दिए? तुम तो जाना दो दिन लौंडा सयान है और दो दिन पतोहे जवानी है, वो दोनों लौंडे साले उठाएगी ठहर के साहेब। अच्छा हाँ, दोनों पतोहेवा हमारे माथे तो है, यानी दोनों का खर्चा पानी तुम ही चलाते हो? तो क्या करी साहेब, दोनों का हम ही चलाते हैं। क्या बे? खर्चा साहब खर्चा। तो कान संजय छुट गई बतोइया, फोन गिर गए बप्पा यू बताओ, तुम बड़काई दीदी के लिए रहा हमका कब ले आओ? क्या चीज? उनके नहीं है बढ़ा रहा है कपड़ा लत्ता ले दिन बाल बनवा दिन, और कौन चीज? ऐसा क्यों नहीं कहते हो? कहन भाई फिर उनका वही फोन पर समझावा, हमका देखो मुनिया हो परेशान न करो, और किला जैसे महीना आई तुम्हारे नंबर है। साला कहता वही बात है और घुमा फिरा के बताता है। और तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तू चिंता मत कर जी, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद के दे दिया है ना जी, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी जी, तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। और का 6 महीना हो गई तनख्वाह नहीं दे, मोबाइल में ठन्नी पैसा डायरी पर ही नहीं, बात अतरी लंबी करे तो हम सोचे झूले हम पूरी बात बतावा पर अब पैसा बीचे में खत्म हो जाए, पूरी बात ना हुई तो दिमाग लगावा हम कह लो समोली बात बटोर के इकट्ठे ठोंक दे। हम कहा मुनिया परेशान ना करो, फिर ऐसा महीना ही तुम्हारा नंबर है। बात का पूरी बात हो गई, 25 पैसे बच गए। 25 पैसे बच गए, तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम है? तो भाई कहे ना हमारा तनख्वाह देवाओ ना देवाए बहु, तो फिर अपने लग से हमका 500-600 दियो तो गली बात में काट ले हो हमारी तनख्वाह में गए। और कहा या तो फिर इतनी पुलिस खड़ी कोई से हमका देवा दे के पीछे दे दे, क्या चीज? जब हमारी तनख्वाह दे और कौन चीज? मैंने तनख्वाह देने का ठेका ले रखा क्या बे? काहे काम तुम्हारे करी तनख्वाह का, गाँव वाले दे है का? हम लोग गवर्नमेंट के नौकर यानी सरकारी नौकर है, यहाँ गवर्नमेंट नहीं कहा आवत है ना सरकार कहा आवत है कि चलो रोड पर मनाई लड़का लहात रखो कहूँ ये डकैती पर गए हुआ चलो मारपीट होगा हुआ चलो रात दिन तो हमका लड़का लील गैया दौड़ा दौड़ा फिरत हो। अरे मैं तुमसे सीनियर हूँ। हाँ जो हमसे सीनियर तो हमका तनख्वाह दियो, इनसे सबसे तो हम नहीं मांगी थे। तुम ताले ऐसी समय तनख्वाह के लिए बात करते हो कि तनख्वाह देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, खाली काम करा वक्ते ही हुए ड्यूटी बोलते हैं कि? हाँ तो फिर आपने लक्ष्य दियो 500-600 के बाद में काट ले क्या तनख्वाह में क्या हमारी? और का जब देखो तब तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है साला बेवकूफ कहीं का। ठीक है परसों तनख्वाह बटी थी ना, इन लोगों से बात करो, इनके पास तो ले लो
बाद में तुम इन्हें वापस कर देना। वापस नहीं करना, लईमार समझोगा। तुम साले महा लईमार हो, साला बेवकूफ कहेगा। हड़काए जा तुम्हारा माउथ हमारे नहाते है। कौने दिन तुमका चाम एक बुढ़िया मोस मार दिया, बत तुम्हारा छुट्टी न हो जाये। तनखा कहो तो ऐसे नानी मरी जात रातों दिन दौरावत ओ बिटिया। लौकीदार चौकीदार। हाँ 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 हवलदार साहब, बात यह कि हम सुने तुम परसों तनखा पाए हो। हाँ तो हम कहते दियो तो एक साहेब से पीछे दबा दिया। हाँ पीछे दबा दे हो साहेब से, बात तो सही है। परसों तनखा मिली रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लौंडे मेहरुआ पैदा भया ना, तो खर्चा पानी घर का पहुँचवा दे। सौरी सागम पैसा लाग गए समूल ले। कहा बताओ लौंडा वक मेहरुआ भाई। हाँ साहेब कि मेहरुआ का लौंडा भाई। हाँ यह बात है, मेहरुआ का लौंडा भवा है। तो समुल्ला पैसा तो सौरी सागम लाग गए साहेब, पैसा बचा नहीं है। एक रुपया दे दियो भैया, बहुनी करा दियो। एक रुपया नहीं, हम खुद है दूसरे से मांग के रुपया काम चला रहे हैं समय। चलो फिर घुसो। कहाँ कमरम नाम ले लीन करो साहेब। भाई लाल मुसरा जी क्या बस सर? हम भैया सुने तुम परसों तनखा पाए हो, और हमका दे दियो साहेब से पीछे दबा दिया। क्या चीज? हमारी तनखा में तुमका दबा दिया। हमारे पास नहीं सर। तो मेरे लगे नहीं। जी हाँ सर। ना हुई है भाई, चलो घुसो। कहाँ को? तुम चुड़िया पहिरे का हो बताइए। तुम कहाँ गीले हो? कहाँ क्यों टिगुली लगाए हो? चोरिया पहने हो? वाह भाई वाह। चलो तुमका कौन दिन भूलिया तेरे। चलो हमारे साथ ही तुमका हुए ठीक करी, तुम्हार में हरापन भगा दे। कुमारी अनीता जी क्या सर? लव रिट्यूब दियो। क्या क्या चीज? बेल बंदूक वर्दी। हाँ वर्दी दे दियो, पर नंगी खड़ी रहा। क्या वर्दी मांग रहे हैं तुम? फिर क्या मांग रहे हो? तेरी जोर हड़का दिया, हिम्मत नहीं, पर मांग ले दोबारा। कमजोर दिल के मना ही आराम से नहीं बोल सका। तो हम सुने तुम परसों तनखा पाए, हमका दे दिए। देखे तुमका समझ लिया मैं। क्या चीज तुमका दे दिया? और कौन चीज सर? तनखा तो मिली थी मगर वो खर्च हो गई। रुपया दे दियो। नहीं है सर। ना हुई है भाई तुमसे बेकार, हम मांग ली तुमका पहले से जाने दे रहा है कि कान छोड़ बर्तन में बढ़ेप करना है। क्या कहा को दूसरे बोलते हो? यह फिर हम दूसरी में आन के पुलिस ले हम लगे लगा दिया भाऊ। दांत न चिया रहे तुमका फिर लेके सतीन हो जा। वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब। क्या हुआ भवा का? जो उन्हें मना इनसे बता दे तनखा पे ले लियो। ये बंचे खुदे टका टका गाड़ी बरा धमका। अरे 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 तो तलाक कहता बे कुछ सिपाही बे। एक रुपये कोई लगे नहीं। वो लेडी सिपाही है, उससे इस तरीके से तुम बात करते हो? इस तरीके से बात करोगे उसके पास पैसे में तो देगी नहीं। वो दिए क्या पर भूल फिर बात सर क्या है? हमारा पास है ना, मगर हमने इसको दिए नहीं। देखा क्या बता रही हो? हाँ बतावा दियो, हमका देते तो फाड़ जाते। क्या बात? नोट और का नोट नोट फाड़ जाती? हाँ। तुम तले हमें बेवकूफ समझते हो? तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से मुझे मालूम है कि जितनी चिंता तुम्हें तनखा खाने के लिए होती है ना, उस हिसाब से ताले तुम कभी ड्यूटी नहीं करते हो। तुम कब ठीक से हमसे करवावत हो? क्या बे ड्यूटी? एक दही कह दिया तो तुम जिंदगी भी याद करी हो? क्या थी ड्यूटी? ड्यूटी करोगे जिस हल्के तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाती है, रास्ते में जाते हो ताले कम्बल में चढ़ के सो जाते हो। टीका मार डाली जाए, कहाँ मर जाए तुम बताओ? वहाँ चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, या फिर किसी का तीन तो हो जाए? तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है। साला का धाका ही कहा तुमने? इसका पेपर पढ़ा है? जी। देखो पुलिस वालों ने डाकू भवानी सिंह के बारे में क्या लिख कर दिया है। जी। डाकू भवानी सिंह ऐसी आपकी भला बन गया है ना? जी। कि कानून को हर तरफ से दिक्कत देता जा रहा है। जी।
हमने चंबल में कई बार रेट मारे हैं जी, डाकू भवनित को पकड़ने के लिए जी, लेकिन डाकू भवनित रहता खुखार डाकू है जी, जो हम सबकी आंखों में धूल झोंक के निकल जाता है जी। सरकार कोर्ट से 50,000 का इनाम उसके सर पे है जी। अगर तुम लोग उसे पकड़ लोगे ना जी, तो तुम्हें इनाम मिल जाएगा जी। ये क्या है जी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जी, तुम्हें कोई बीमारी है क्या जी? फिर वही बात जी। अरे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ जी, मुझे डाकू भवनी सिंह के बारे में जानकारी चाहिए जी। ये कौन सी जानकारी है जी? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जी। फिर वही बात जी, गधे हो क्या जी? हर बात में जी जी, हर बात में जी जी। तुम साले जी का ठेका लेकर पैदा हो क्या? तो तुम बताओ साहेब, जब तुम हमसे बड़े तुम्हारा हौदा बड़ा है। हौदा की? हाँ, तुम्हारे स्टार पिल्ले लाख हमारे एक को नहीं लाख। जब तुम हमसे बड़े हो तो तुमका हम साहेब जी, जी ने कहीं तो कहा तुमका बहनी महतारी करिएगा। तुम बताओ कहा कही? कैसा बेवकूफ सिपाही है, तो कहा कही तुमका? और कहते भाई सबके सब सिपाही तो बता दो कि अपने अपने रफ लोड कर ले और तुम भी हमारे साथ में चलो। चंबल का चप्पा चप्पा छान मारूंगा आज डाकू भवानी सिंह या फिर उसके कई साथियों को पकड़ के हमें जेल की सलाखों में लाना है। समझ गए ना? जितनी जल्दी हो सके इसी वक्त तुम लोग मेरे साथ। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिएगा, ये चंबल है। चंबल के फुखार डाकू भवानी सिंह आते हैं एंड उनके साथी देखिए क्या बातचीत करते हैं। चंबल दानवों का दाना हुआ फट पर बना हुआ, दानवों का दाना हुआ फट पर बना हूँ, जाके कह दो सुपरिंटेंडेंट से भवानी सिंह बलक की बिजली हूँ जालिम जला कर राख कर डालू, बलक की बिजली हूँ जालिम जला कर राख कर डालू, उठा लू हाथ में बंदूक लाकर शाप। हुक्का वो हो क्या? हुक्का वो हो जिस पर चिलम न हो, लड़ा दो उस शेर से जिसके दम न हो। बहुत बात ही बनता है। ज्वाला सिंह, गंगा सिंह, कहिए सरदार जी। सुन मेरी बात को, एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए सर। सुनो अभी गंगा तुझे कहे कानून की नजर में हम लोग चोर और डाकू बदमाश हैं। हमारा आदेश है कि हमारे चंबल के चारों तरफ अपने आदमी लगा दो, अगर कोई भी पुलिस का मुख पर आवे फौरन उसे जान से मार दो। सरदार गंगा, तू गंगा से